वेलकम बैक टू माई चैनल। और ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद आज जो है वो लैपटॉप देने के लिए जा रहे हैं, और आज भी टाइम जो है 4:30 हो चुका है, लेट तो हो ही चुके हैं हम, बट कोशिश करेंगे जा करके वो एक्सेप्ट कर लें। आज ना अपॉइंटमेंट बुक किया है ना कुछ किया है। चलते हैं अभी और देखते हैं कि वो वहाँ पे एप्पल के सर्विस सेंटर में जो है एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। भाई साकेत के लिए निकल चुके हैं और अभी DLF चला जाएगा, वहाँ पे लैपटॉप दे करके आते हैं। लास्ट टू लास्ट वीक ही बोला गया था कि भाई लैपटॉप जो है दे देना, बट अभी तक दे नहीं पाए, तो आज फिलहाल टाइम मिला। तो कल पे जा रहे हैं गोरखपुर, वहाँ पे फ्रेंड की शादी है तो उसमें जाना है, तो इसलिए सोचा 2 दिन का समय है तो क्यों ना इस 2 दिन के टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। लैपटॉप सबमिट कर चुके हैं और अब फटाफट चला जाए, टाइम हो गया है, कहाँ गया, ओके 5:30 होने जा रहा है यार, तो चला जाए करोल बाग, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें करोल बाग जाने में, लाइट इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से फिर लगवाना है नहीं लगवाना है। एक मन कर रहा है लगवा लूँ सो देट कि अभी हाईवे पर निकलना ही है तो इट विल बी ए यूज़फुल। लैपटॉप सबमिट कर दिया, बहुत रिक्वेस्ट किया यार कि 3 दिन में दे दो, 2 दिन में दे दो, नहीं 4 दिन लगेगा ही लगेगा, पता नहीं भाई तो अपना वहाँ पे कराया था तो कितना टाइम लगा था उसे, दूसरे दिन मिल गया था, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बोले 3 से 4 दिन तो लगेगा ही लगेगा, तो ठीक है आज अगर नहीं भी काउंट कर रहे हैं वो तो कल परसों 2 दिन तो मैं हूँ नहीं दिल्ली में, तो 2 दिन और दैट मीन्स 2-3 दिन बीच में जो है गैप हो जाएगा, वोंट बी एबल टू एडिट, कोई बात नहीं, अब जो हो सकेगा सो किया जाएगा, उसमें क्या ही कर सकते हैं, अब जो है सो है। तो अभी फ़िलहाल के लिए करोल बाग के लिए निकलते हैं। बीच रास्ते में मनिंदर जी से बात हुई, उन्होंने बोला चलो मैं भी चलूँगा साथ में, तो वो भी चलेंगे, उनको भी साथ में ले लेंगे। और तो करना ये है कि लाइट जो है अपने इको स्पोर्ट का उसको चेंज कराना है, और चेंज कराने का मतलब है कि जो येलो लाइट है ना उसे चेंज कराना है, बाकी नीचे तो मतलब जूम का प्रोजेक्टर और वो HID लगा ही हुआ है तो वो तो खैर मस्त ही है, उसका तो कुछ करना नहीं है। रेस्ट अभी फ़िलहाल 24-25 मिनट लगेगा पहुँचने में, तो पहुँचते हैं वहाँ पर और कोशिश करते हैं फटाफट जल्दी चेंज कराते हैं, क्योंकि आज ही रात में हमें निकलना है गोरखपुर के लिए। तो मनिंदर भाई आ गए हैं हम आपने, और अब हम जा रहे हैं करोल बाग, और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपने दोनों मतलब हेडलाइट में ना चेंजेस कराएं, क्या मिलता है वहाँ पे ऑप्शन वो वहाँ चल करके देखा जाएगा। कमल भैया से अभी फ़ोन करके बात हुई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आ जाओ हम कुछ ना कुछ तो आपको लगा के ही देंगे। लास्ट टाइम हमने ना एजूम का प्रोजेक्टर विथ HID लगवाया था इसके फॉग लैम्प में, और इस बार जो है हेडलैम्प बेसिकली इसका रिफ्लेक्टर है, तो रिफ्लेक्टर में बहुत ज़्यादा LED का ना काम होता नहीं है, वो बस इतना ही है कि मतलब अब वाइट लाइट चाहिए तो एक बार ट्राई करने के लिए लगा सकते हैं, तो चेंज जस्ट फॉर अ चेंज कोशिश करते हैं एक बार लगा करके कैसा लगता है, नहीं होगा तो फिर वापस से येलो लाइट पर आ जाएंगे। पूछ रहा हूँ भाई कि इस बार क्या लगा रहे हैं, लास्ट टाइम 1.5 साल पहले आया था, तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले आपके वो प्रोजेक्टर लगाया था, उसने तो धूम मचा दिया। हाँ जी, तो इस बार मैं उसी ब्रांड में जूम के अंदर ही हम लोग LED लगाएंगे। ठीक है, 130 वॉट टोटल होती है उसकी जो वॉटेज है, और 65 वॉट पर LED होगी। ओके, और 2 ईयर गारंटी है, सबसे अच्छी है मेरे लिए। तो यही ट्राई करते हैं आज, इसमें कुछ कट वट तो नहीं करने की जरूरत नहीं, कपलर टू कपलर है आपका, वो बल्ब निकलेगा। हाँ, इसमें लग जाएगा, लग जाएगा, ये अंदर ही पैक हो जाएगा पूरा। अच्छा चलो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, बहुत आराम, 2 मिनट में लग जाएगी। अच्छा, कोई अलाइनमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो लॉक हो जाता है, लॉक में लग जाता है। भैया को बोला है कि एक बार इसको भी चेक करना है, नीचे जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना, तो अभी सेम कंपनी का ना एजूम का ही जो है इसमें चेंज करके हम LED लगाएंगे, और आज रात में इसकी टेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज रात में हम निकलेंगे गोरखपुर के लिए,
ऐसा है भैया को पता ही नहीं कि भाई मेरा भी चैनल है। ये पकड़ के सब्सक्राइब करा। अभी जस्ट स्टार्ट किया ना मैंने। अभी भी नहीं हुआ सर। अभी ये बेल आइकन घंटा जब तक नहीं बजाओगे, जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक बात नहीं बनेगी। घंटा बजा तो अभी भैया को सब्सक्राइब ही कराया, इस तरह हम अपने सब्सक्राइबर भी बढ़ा रहे हैं, है ना। जबरदस्ती जबरदस्ती लगाते हैं, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नहीं मानते तो हमारे पास हथियार भी रखा हुआ है। भैया के हथियार भैया के ऊपर। तो भाई ये जो है ना व्हाइट लाइट इस बार ना इसमें लगाया, तो ये जो पार्किंग लाइट थी उसको भी चेंज कराया है, क्योंकि वो भी येलो लाइट थी। और दूसरा तो एजूम का लाइट जो है वो तो लगेगा ही लगेगा। अभी थोड़ी देर में ना ऑन करके आपको दिखाएंगे कि इसकी एजूम की जो एलईडी है उसकी प्रोजेक्शन कितनी अच्छी है। तो अभी क्या है ना, इसका बल्ब निकाल करके चेक करेंगे, एज बिकॉज 1 ईयर्स हो गया है इस बल्ब को ना, तो हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। और ये तो अपना लग ही गया है, हाई बीम लो बीम दोनों ही इसमें चलेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं ना कि ये वाला जो अपना अजूम का प्रोजेक्टर था उसमें जो HID है उसको चेंज करा रहे हैं, और उसके बल्ब से उसको चेंज करा रहे हैं, एज बिकॉज मुझे थोड़ा वीक लग रहा था। ऑल दो भैया ने बोला नहीं अभी तो फिलहाल बहुत तगड़ा चल रहा है, फिर भी यार अपना एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत ऊपर है। लाइट अजूम को लेकर के अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है ना कि मैंने बोला नहीं नहीं भैया आप चेंज ही कर दो, कोई टेंशन नहीं है, अपने को चाहिए लाइट बिल्कुल फाड़, उसमें कोई कमी नहीं चाहिए। तो दोनों साइड के जो प्रोजेक्टर हैं उसके जो है वो HID चेंज सिर्फ करा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्टर तो वही लग जाएगा। तो चेंज कर लिया है लाइट, और आप एक चीज़ देखोगे इस लाइट की सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसका एक बिल्कुल ही क्लियर कट लाइन आता है, जो कि ना मतलब कभी भी जो है आँखों में किसी का नहीं पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जनरली अगर क्या होता है कि अगर आपने HID या फिर कोई भी लाइट लगाते हैं ना तो वो आँखों में चुभता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी लाइट अगर स्कैटर्ड ना हो और बिल्कुल ही क्लियर एक लाइन में आए ना तो आपको अलाइन करने में भी आसानी होती है, और ना ही वो ना किसी के आंखों में चुभती है। फाइनल सेटिंग होते हुए यहाँ पे, और ये फाइनली अब लग चुका है, वहाँ से अलाइनमेंट भी चेक हो गई अपनी और बल्ब भी चेंज हो गया, तो वो अब यहाँ पे सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर काम ख़त्म। सबसे आसान था यार ये प्लग एंड प्ले था ना, ऊपर वाला जो LED लगाना था वो सबसे आसान था, बिकॉज वो प्लग एंड प्ले था, बस उसमें जो है कपलर जो लगा हुआ था उसी सेम कपलर के सेम साइज़ का था वो, H4 जो बल्ब आती है उसी साइज़ की, और बस उसे लगा देना होता है। बाकी यहाँ पे एक दो बार और चेक कर लेंगे सो देट कि कहीं कोई रह नहीं जाए, आज रात में निकलना है तो क्रिकेट मैच कराएंगे। ये पार्लियामेंट है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना यार, मतलब जबरदस्त है ना, लाइटिंग लगाने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और कितने कलर्सफुल मतलब बना रखे हैं ना ये। और इस साइड जो है वो है नॉर्थ ब्लॉक है ना, नॉर्थ ब्लॉक ओके, तो ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये आपको अंदर से दिखाएंगे। हाँ तो कभी मनिंदर भाई के साथ जो है जाकर के अंदर से भी दर्शन करेंगे हम। मनिंदर भाई को बाय बोलने का समय आ गया है, और इन्हें यहाँ ड्रॉप करते हैं फिर चलते हैं घर। और एक ड्यू रह गया, एक लॉन्ग ट्रिप ड्यू, ओवरलैंडिंग वाला ड्यू सुलज भाई को पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल उनको कांटेक्ट करेंगे इसके लिए। मैं अपनी सफारी में भी डाल दूंगा उसमें पक्का, फिर चलेंगे मनी भाई के साथ। एकदम चलो मिलते हैं। हाँ पक्का भाई, ठीक है भाई। चिकन ड्यू आया, चिकन नहीं खाया यार हम लोग, आज आज मंगलवार था यार, पता ही नहीं था, गलत दिन आते हैं। मैं तो बोला कि अच्छा खाना है, हम ले हाँ ठीक है चलते हैं, वो तो वहां जाकर के मना कर दिया उसने, सेफ बोलता है भाई आज मंगलवार है नहीं बनाते, तो ये रियलाइज अच्छा आज तो मंगलवार है तो खाना नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक कुकड़ बच गया, कोई बात नहीं, उसे किसी दिन पूरा किसी दिन और निपटा देंगे, ठीक है ओके राइट, बाय, ऑल द बेस्ट, बाय ऑल द बेस्ट मैन, राइट सेफ। ये लाइट में थोड़ा सा अलाइनमेंट में ना एक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लग रहा है मुझे, और थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसे, खुद से ही करना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी मैंने खुद से ही किया था। तो और डॉक्टर सत्यजीत को बुलाते हैं और बोलते हैं भाई टूल बॉक्स लेकर के आ जाए, वो छोटे छोटे जो एलन की है वो सब है लेकर के आते हैं, उसके बाद इसका जो है प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं जो थोड़ा मोड़ा रह गया है, क्योंकि उस जगह ना ऊपर नीचे थी जमीन तो उतने प्रॉपरली पता नहीं चल पा रहा था। तो अभी एक बार अंधेरे में चलते हैं वहाँ पे जहाँ एम्स के पीछे पार्किंग है, और वहाँ पे अलाइनमेंट करते हैं इसकी लाइट की। एक थोड़ा सा ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला थोड़ा सा ऊपर लग रहा है लाइट, और राइट वाला थोड़ा सा नीचा लग रहा है, तो उन दोनों को बराबर कर। वहाँ पे देखो आप दो लाइन दिख रहा है, अगर आपको सही से पता लग रहा हो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक लाइन है और दूसरा लाइन जो है ऊपर में है, तो हमें करना क्या है ना कि दोनों को एक लाइन में आ जाए, तो
बिल्कुल ही एक क्लियर कट लाइन रहेगा, तो किसी के आंख में भी नहीं लगेगा और वो बहुत अच्छा मतलब थ्रो भी अच्छा हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है अब यहाँ पे एलन की या पता नहीं कौन सा है, इसमें जो भी लगेगा उसे लगा करके और खोलना है। यहाँ पे इसे हल्का सा लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा लूज़ करेंगे इसे, इसे यहाँ पे लगा लीजिए तो पकड़ने में आसानी होगी, गर्म है। ओके, और जैसे ये हल्का सा लूज़ हो जाएगा इसको हल्का सा नीचे करना है और वहाँ के अलाइनमेंट में अब देखो यहाँ पे आप पहले दो लाइन बन रहा है, यस यहाँ से जो है ना नट को अब टाइट कर दिया जाएगा। अब आप देखो एक बिल्कुल ही क्लियर कट लाइन बन रहा है, बिल्कुल ही क्लियर कट लाइन है। तो हम चाहते भी ऐसा ही था कि भाई बिल्कुल क्लियर कट लाइन हो, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होगा ना, तो वो जो थ्रो होगा ना बिल्कुल इवन सा होगा, और यही चाहिए था मुझे। तो यहाँ आकर के जो है फाइनली इसको एडजस्ट किया गया, क्योंकि यही चाहिए था मुझे, अंधेरा थोड़ा तो चाहिए ही होता है, तभी जा करके जो है लाइट एडजस्ट होता है। और अब फाइनली जो है इसको टाइट कर दिया जाएगा सो दैट कि वो हिले नहीं अपनी जगह से और वो मेंटेन्ड रहे। तो टाइट हो जाएगा एक बार अपनी फिटिंग में तो हिलेगा नहीं। अब सारे नट बोल्ट को टाइट करके और कवर लगा दिया जाएगा, बस मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, अब इससे ज़्यादा कुछ होना ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं परफेक्शन। गजब सर, गजब। लास्ट टाइम भी सर नहीं किया होता, तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ऐसा कुछ लाइट वाइट का अलाइनमेंट कराना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो टाइम हो चला है 9:52, ऑलरेडी पूरा डे कंप्लीट हो चुका है यार, कुछ भी नहीं किया आज भी, मतलब सिर्फ लैपटॉप दिया, देन लाइट अपग्रेड कराया, मनिंदर जी से मिला, तो ये सारे काम किए आज, और अब वापस घर की तरफ चल दिए हैं। बस अब घर पहुँचने वाले हैं। तो बिजी डे था आज का भी यार, सुबह ऑफिस करो फिर ये सारे काम करो, करते करते हालत खराब हो गया है, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, उसके बाद तो फिर कुछ करने का मन ही नहीं करता है।